हेलो रिमान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, या फिर दिल की बात नहीं कर रहे, तो इन मैसेजेस के थ्रू आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन, वर्क ऑन योर कनेक्शन, पेशेंस, पे अटेंशन टू द साइंस, किड्स एंड ट्रस्ट। दो कार्ड्स आए हैं तो लेंगे हम जरूर दो कार्ड्स। और सॉलिट्यूड, परफेक्ट एनर्जी, जैसे शाम की फील होती, रिलीज योर पास्ट। इन्हें अपना पास्ट याद आ रहा है, जो भी है। मे बी ये पर्सन को चाइल्डहुड वुंड हो सकते हैं, जैसे बचपन में कुछ चीज़ों की वजह से, रिश्तों खराब होना या कुछ भी है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में ना कुछ ट्रॉमेटिक चीज़ें ना रिपीट होती है, स्पेशली इन द रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप में, क्योंकि हम बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं इसके लिए। तो इस पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, और ये ना अभी पिछला पास्ट नहीं, ये जो हो रहा है ना उनकी लाइफ में, ये जो अकेलापन आना, ये सब जगह से घिरे होना, फील होना, क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एकदम डिप्रेसिंग एनर्जी है। ऐसा लगता है कि कुछ हो भी नहीं रहा ना, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, अचानक से जैसे ना बना बनाए महल टूट रहा है, बना बनाए महल। आंसर सर आई मीन, तो बना बनाए महल जैसे टूटने का जैसे फील हो रहा है, फिक्र हो रही है। तो अभी जो महल है वो किस चीज़ का बना है उसके ऊपर डिपेंड है, कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि महल बना रहे, ये बात इम्पॉर्टेंट थी, ये महल किस चीज़ का था, तो उसकी वजह से टूटने का डर भी है। क्योंकि आपका महल भले वो कितना भी ऐसा लगे ना कि ये क्या चीज़ है, इतना क्या है वगैरह, बट अभी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मजबूती नज़र आती है, मजबूती नज़र आती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सब्र में रखा हुआ है, कि क्योंकि ये इंसान को ना आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत याद आ रही, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप चाहिए, और आप ही चाहिए। क्योंकि आज की एनर्जी में जिस तरह से इनकी एनर्जी चल रही है क्राइंग एंड डिप्रेशन की, भले उनके आसपास कितने भी क्लोज रिश्ते नाते हो या आसपास कितने भी लोग हो, इन्हें वो एनर्जी, वो सहारा, वो सपोर्ट, वो द खुशी, हर चीज़, मतलब एक होता है ना, एक स्पार्क आने से, एक स्माइल आने से भी हमें एक लाइफ में होप क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें ना कोई और दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं पा रहा है, दे ही नहीं सकता। ये आपसे लिटरली जुड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि सब इनके हालात ख़राब है, ये तो अलग ही बात है, बट समाव ऐसे लग रहा ना कि लाइफ में ना एक जीने का एहसास, एक खुशी का एहसास भी चाहिए, जो आपसे ही मिल सकता है। पॉसिबल है कि पेरेंट्स इशू है, या फिर ये इमैच्योरिटी भी इनकी एक इशू थी, और या फिर लिटरली इनके बच्चे वगैरह हो सकते हैं, जो जिसकी वजह से इन्होंने पेशेंस या सब्र रखा हुआ है, तो वो हो सकता है। बट अदरवाइज अगर जैसे ही ऐसा लगे ना कि बस अभी सब्र का बांध टूट गया है, इमीजिएटली आपके पास आना जरूर चाहेंगे, और ये अभी इस रिश्ते पर ना मेहनत करना चाहते हैं, ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, या आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी ना, जैसे ना आप रूठ गए तो मनाने की कोशिश ज़्यादा नहीं की है। आई एम जस्ट योर, स्टॉप डाउटिंग मी। इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, आप डाउट मत कीजिए। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश की ही नहीं, इनकी ज़िद हो या जो भी है, इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, समझने की कोशिश की नहीं की। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ पर रिलीज योर पास्ट की एनर्जी दो बार आई है, लाइक फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी की एनर्जी है। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। इन्हें कहा ना कि इनके लिए आप बहुत कुछ अलग ही बन गए हो, अब गॉड के भेजे हुए कोई प्रेशियस गिफ्ट के जैसा फील हो रहा है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप
लाइफ में कुछ खास हो इनके, एक एक होप हो, एक खुशी हो, हर चीज़ हो, हर चीज़ हो। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये कभी अपनी फीलिंग्स आपको शेयर ही नहीं कर पाए, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली आपसे कितना प्यार करते हैं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। अभी इनको ऐसा लगता है ना, वर्क ऑन योर कनेक्शन। ने ये दो बार कहा है कि अभी हमारे ड्रीम्स भी एक है और हम अपने ड्रीम्स के ऊपर साथ में काम करेंगे। आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। इन्होंने जो आपसे बातें छुपाई है ना, झूठ बोला है, छुपाई है, तो अभी उनको खुद को ही बुरा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीविंग यू हर्ट्स, हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज नीडेड। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना या आपसे दूर जाना इनके लिए भी बहुत हर्टिंग था, बट इट वो ज़रूरी था, उनके हिसाब से वो ज़रूरी था। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। इन्हें अभी भी ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए, बहुत मिस करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं, तो अभी भी उनको याद है जिस दिन आप पहले बार उनको मिले थे। आई डू लव यू। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है फुलमून का। इनकी इमोशन जितने लो भी हो रहे हैं ना, लेकिन एक बात का रिलेशन है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद ये फीलिंग ये खुद ही नहीं समझ पाए थे कि क्या है, मैं क्या क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, सी आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, या आपसे जुड़ना चाहते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट रीडिंग और ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।